सिलेबस फिनिश का वेट। तुम मुझे बताओ, बचपन से तुम पढ़ाई कर रहे हो, 10th करी तुमने, 11th करी तुमने, 12वीं करी तुमने, आज तक सिलेबस खत्म हुआ था एग्जाम के पहले? मुझे ये बताओ, पहले आज तक एग्जाम के पहले सिलेबस खत्म हुआ था? हाँ, मैं पूरा सिलेबस कर लिया, मैंने कुछ भी पूछ लो, हुआ था? अगर हुआ भी था, वर यू कॉन्फिडेंट? आंसर इज नो। तो एग्जाम के पहले तुम सिलेबस का वेट क्यों कर रहे हो मेरी जान? आई हैव सीन पीपल, मैंने पिछली बार एग्जाम्पल दिया था, सौरभ करके बड़ा ही प्यारा इंसान है, आई नो हिम। उस बंदे का स्नैप में 99.99 है, स्टड आदमी। मुझे मैसेज करता है, सर काश मेरा ये वाला स्कोर कैट के अंदर होता। मैं वो तेरा तो आना ही चाहिए था, बट दिस गाय कुडंट गिव प्रॉपर मॉक्स बिकॉज सर मैंने सोचा सिलेबस खत्म होने का। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को, बैठ के पहले अपना सिलेबस फिनिश करने की वेट नहीं करनी है। कोशिश करो एक बार ऊपर से देख लो, उसके बाद मॉक देखने शुरू करो। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्यों मैं टेक्निक बता रहा हूँ आपको, ये मैं सेग्रीगेट करके भी डालूंगा कि सिलेबस खत्म होने का वेट इसलिए नहीं करना, फॉर वन सिंपल रीजन, कैट के अंदर आपको 50% मार्क्स चाहिए, और जब मार्क्स 50% चाहिए, जब अटेम्प्ट 100% करना ही नहीं है, तो सिलेबस खत्म होने का वेट क्यों करना है? तो बैठ के उसके अंदर जाके अपना दिमाग को वैसे एक्लेमेटाइज करो, पर सिलेबस कंप्लीट करना है, पर धीरे धीरे करेंगे।